गाइस आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर जैसा कि वीडियो देख सकते हैं जिस्म तो जख्मी है। इस साउंड पे जितने भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सारे के सारे वीडियो वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियो शूट किस प्रकार करना है और वीडियो को एडिट किस प्रकार करना है सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं एक बार वीडियो को प्ले करके भी दिखा दूंगा वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। तो सबसे पहले वीडियो में थोड़ा ब्राइटनेस कम है तो मैं थोड़ा लाइट को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो इसके बाद हमें करना क्या, सिंपल कलर एडजस्टमेंट में आना है। थोड़ा सा हल्का था इसे हम ऊपर कर देते तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको देखना है वीडियो को आपको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हम सो रहे हैं, सोने के बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को हमको सबसे पहले म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना आपको वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं हम यहाँ से उठने का एडिटिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा सा हल्का पीछे लेकर आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचे के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। वीडियो को आगे की तरफ ले कर आना है। अब देख सकते हैं मैंने उठा कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आ गया और यहाँ से मैंने डरने के कुछ एक्टिंग किया हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 7 से 8 घंटे का ही वीडियो चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह से एक्टिंग किया था। इसके बाद यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो हमने जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट से ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर इमेज का। तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले इट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये इमेज जो है आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट एस लेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डबल लेयर में वीडियो आ चुका है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। तो ये हमारा लेयर वाले वीडियो हो गया। आइए जो हो गया हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड का वीडियो हो गया। तो बैकग्राउंड वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, मीडिया पे आना है और आपने जो कैप्चर किए थे इमेज को उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है जहाँ तक आपका वीडियो है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट भी कर सकते हैं। तो हम इस पर एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ी सी हार्ट मैंने रिमूव कर दिया हूँ। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, सिंपल सा। इसके बाद आपको क्या करना है, और आपने जो वीडियो लेयर ले रखे थे लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आना है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको ओपेसिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ओपेसिटी को कम कर देना है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं ओपेसिटी कुछ इस तरह से आपको कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 50 या 55 के आसपास रहने देता हूँ। इसके बाद अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लग रहा शरीर से आपका आत्मा निकल रहा है, ठीक है। और आपको करना क्या, देख सकते हैं ये इमेज जो है हमारा बैकग्राउंड वाली इमेज जो है हमारा यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसे हमें एक साथ रोकना पड़ेगा। इमेज पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हमें इक्वल कर देना है। ये इमेज जो हमारा देख सकते हैं अब रुक रहा था, अब ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। अब आपका इमेज देख सकते कुछ इस तरह से, लेकिन आपको ये देख सकते ये वाली और ये वाली मैच नहीं कर रहा है, आपको काफ़ी ध्यान से मैच करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको फिर से डिलीट करते हैं, मीडिया पे आते हैं और फिर से हमें वही कैप्चर किए गए इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसे हमें इक्वल करना है। इक्वल करके देखते हैं कि हमारा सही से इमेज हो गया, एडजस्ट नहीं हुआ। अभी भी देख सकते हैं हमारा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इस इमेज के पहले बड़ा करते हैं, फिर से हम इसे मीडिया पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को मैं फिर से एक बार सेलेक्ट कर देखता हूँ। इमेज पे क्लिक करेंगे, इक्वल पे क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से इक्वल कर देना है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में जो है छोटा बड़ा हल्का हो जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अब देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर परफेक्ट बन चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, उसके बाद एक्स्ट्रा वीडियो जो है बैकग्राउंड का उसे आपको रिमूव कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से देखे बाहर निकले
और आपको अचानक से डर गए, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन चुका है फाइनली। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा पीछे का जो इमेज जो है यहाँ पे ब्राइटनेस जो लग नहीं रहा है कि मेरा ओरिजिनल इमेज है। आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको एक इमेज के आपको आप इस इमेज को ना PNG में आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम PNG भी कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो सिंपल इसे हम बैक करते हैं। पहले बैक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है remove.bg। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। इसके बाद ओपन करना है, ओपन करने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो इमेज मैंने कैप्चर किया था वो इमेज यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो आपको करना क्या है, PicArt में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कैप्चर किए थे इमेज आपका शो कर रहा है। सिंपल आपको इमेज पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आपको आ जाना है ड्रॉ पे। ड्रॉ पे आने के बाद फिर से ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये इमेज आपका गैलरी में सेव हो चुका है। बैक करेंगे फिर से हमें गूगल क्रोम जो ओपन किया, तो फिर से इसे बैक करेंगे, फिर से अपलोड इमेज पर आते हैं और देख सकते हैं अब हमारा इमेज यहाँ पे शो कर दिया है। सिंपल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड जो होगा रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और फाइनली इमेज हमारा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद फिर से हमें KineMaster एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से KineMaster एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो इमेज आपने डाउनलोड किए थे उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है और इस इमेज को आपको पूरा फुल साइज कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और इमेज जो आपका ओरिजिनल लग रहा है। सिंपल इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो होगा वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपको डिलीट कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं ऑडियो भी आ चुका है और एक्स्ट्रा ऑडियो जो भी है आपको ट्रिम टू यहाँ पर राइट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है, लास्ट का साउंड जो होता है वो हमारा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका साउंड आपको स्लो नहीं होगा। सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलीम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही लेटेस्ट यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट।